Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So, in this lecture, we are going to discuss about active transport. आप सभी को पता है कि हम लोग chapter 11 NCERT का transport in plants पढ़ रहे हैं, जो कि class 11th का topic है. और अगर हम लोग active transport की बात करें, तो active transport में हमेशा molecules का movement होता है from lower concentration gradient to higher concentration gradient. ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से कहां पे जाएगा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन की ओर. ठीक है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी. देखिए, जब भी काम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मीन्स सिस्टम के अपोजिट काम हो रहा है. आप यूं समझिए, कोई एक अमीर आदमी यदि पैसों को डोनेट करेगा तो उसको उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी खर्च करने में, कमाने में पैसों को. ठीक है, अगर यहीं पे एक पुअर पर्सन डोनेट कर रहा है और एक रिच पर्सन को डोनेट कर रहा है, तो इसको एटीपी चाहिए होगी. यहाँ पे कुछ ऐसे ही काम हो रहा है, भाई रिच पुअर को डोनेट कर दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई टू लो जाता है, हमेशा मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लो टू हाई, मीन्स पुअर टू रिच, तो यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट होगा, एटीपी का. सो इट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, हमेशा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफर होगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, जबकि डिफ्यूजन में क्या होता था, टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन से. ठीक है, हेंस डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले अ मेजर रोल इन बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसलिए जो डिफरेंट प्रोटीन है मेम्ब्रेन के, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में. बात करें अगर हम लोग, पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड दीज पंप कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर. जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट. ओके, पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. और ये जो पंप होंगे, ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में कराएंगे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई. और यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड. सो लाइक एंजाइम, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ट्रांसपोर्ट रेट की अगर हम लोग बात करें, तो ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूज्ड होते हैं, सैचुरेट. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेस एज मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आर बीइंग यूज्ड और सैचुरेटेड. लाइक एंजाइम, द कैरियर प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक. एंजाइम की तरह जो कैरियर प्रोटीन है, जो प्रोटीन को लेकर जा रहा है, इन व्हाट इट कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन. दीज प्रोटीन आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, के लिए सेंसिटिव है, दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ाया था सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे आप इस चार्ट को एनसीईआरटी के देख सकते हैं कि कहाँ पे अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा, मीन्स लो टू हाई जाएगा मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट कहाँ पर होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड में. हाईली सेलेक्टिव कौन सा है, फैसिलिटेटेड भी है, एक्टिव भी है. स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की डिफ्यूजन को कोई जरूरत नहीं, बाकी इन दोनों को जरूरत होगी. बात रही एटीपी की, तो एटीपी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जरूरत होती है. सो दिस गिव अ कंपैरेटिव व्यू ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स. सो दिस वीडियो इज टोटली अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बताया था. ठीक है, सो दिस गिव्स अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दे शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग हाईली सेलेक्टिव. दे आर लाइबल टू सैचुरेट, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर्स एंड अंडर हॉर्मोनल रेगुलेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड हो चाहे नॉर्मल हो, नॉट टेक प्लेस ओनली अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डू नॉट यूज एनर्जी. जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी काम नहीं होगा. इसका मतलब आप देखेंगे तो अपहिल मूवमेंट, अपहिल ट्रांसपोर्ट में भी नो होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस लेक्चर. सो कल का लेक्चर हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे होगा. सो होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स. बहुत ही जल्द ही मिलेंगे हम लोग अपने
नेक्स्ट लेक्चर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय बाय.